यूपी के जौनपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज सुल्तानपुर में हुए मुठभेड़ में 1 लाख का इनमिया मंगेश यादव के मारे जाने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बक्सा के अग्रौरा गांव पहुंचकर मंगेश यादव के परिजनों से की मुलाकात दी संतवना। साथ प्रदेश अध्यक्ष ने कहा मृतक हमारी पार्टी सड़क पर उतरकर न्याय दिलाने का काम करेगी। इस दरमियान मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह सरकार इस परिवार के साथ बहुत ही गलत किया है, फर्जी ढंग से उसकी हत्या की गई है। अखिलेश और राहुल गांधी पीड़ित के साथ खड़े रहेंगे, कानून व्यवस्था को लेकर हम लोग सड़क पर उतरेंगे। मंगेश हत्या को लेकर उन्होंने कहा कि महामहिम को पत्र लिखकर न्यायिक जांच की मांग किया जाएगा। सुल्तानपुर में जब आप भेजे थे हम लोगों को, लड़के को रड़ से मरना छेद करके भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जो उसको मारे डॉक्टर हम लोग आप भेजे थे, प्रदीप मंडल हम विक्की सब लोग गए थे, देखे हमारे नदीम भी जाए भी बैठे हुए हैं। राकेश देखिए, निश्चित तौर से ये बहुत ही मैं कहूँ ये घटना, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि बहुत ही ये हृदय विदारक घटना है। अब जैसा मुझे अब जानकारी पहले नहीं थी, आज जानकारी हुई कि अपने माँ बाप का अकेला बेटा मंगेश यादव, उसके पिताजी ओंकारेश्वर में गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी ड्राइवर हैं। आप सोचिए, गाड़ी ड्राइव करके अपने बच्चे को अपने परिवार को पाल रहे हैं, और वो बहुत ही हृदय विदारक ये घटना है। और जो व्यक्ति डकैती करेगा डकैत बन जाएगा, जैसा योगी जी बोल रहे हैं कि डकैत को हमने मारा, डकैत अपने घर पे सोएगा। डकैत अगर रहेगा, डकैती किया रहेगा, तो वो छिपेगा भागेगा कि अपने घर पे सोएगा। और एक माँ और बहन, छोटी बहन के साथ यहाँ रहा, उसको पुलिस वाले उठा के ले जाके घर से ले जाके मार। मैं समझता हूँ कि इसकी न्यायिक जांच माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से इसकी न्यायिक जांच की हम मांग करते हैं, तभी इसका दूध का दूध पानी का पानी हो पाए और इस परिवार को न्याय मिल पाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं जांच देख के जान ली गई, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है वो ब्रेक किया जा रहा है, जो संस्थाएं हैं इंस्टीट्यूशन है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, पूरी तरीके से आज जो संस्थाएं लोगों की जान बचाने के लिए बनी हुई हैं, रक्षा करने के लिए बनी हैं, आज वही संस्थाएं लोगों की हत्या कर रही हैं, उनके मर्डर कर रहे हैं, मार रहे हैं। ये सीधे सीधे मर्डर है। और निश्चित तौर से चाहे किसी जात बिरादरी का हो, कोई व्यक्ति हो, ये पूरी तरीके से योगी जी और इनकी पूरी सरकार, मेरी जानकारी में योगी जी ने अपने गोरखपुर में एक बच्चे की हत्या कराई, ब्राह्मण था वो, ब्राह्मण की हत्या कराई, विनोद उपाध्याय की, मैं गया था उसके घर। ये तो जो इनके खिलाफ खड़ा हो रहा है उसकी हत्या कर रहे हैं, लगता है कि ये मेरे खिलाफ खड़ा होगा उसको मरवाओ। ये पूरी तरीके से सरकार और केवल अपनी चीज, ये जो हमारे साथ रहेगा, जितने भी अपराधी हैं सब भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं, MLC बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठ के मजा ले रहे हैं। चप्पल पे इनकाउंटर का सवाल उठ रहा है कि चप्पल में इनकाउंटर किए, चप्पल का एक सवाल उठ रहा है कि चप्पल में इनकाउंटर किए। डीके शाही जो COSTF डीके शाही इनकाउंटर किया है, जिसके बाद इनका जिनको सम्मानित किया गया है, इस इनकाउंटर पे लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उस अधिकारी ने चप्पल पहन और वो जो जिस तरीके की बात है, जो ऑपरेशन की बात है, उस पर भी सवाल उठा। देखिए, मैं कहना चाहूँगा चाहे वो डीके शाही हो, चाहे वो STF का कोई अधिकारी हो, ये पूरी तरीके से सरकार दोषी है। सरकार की तरफ से दबाव बना के ये उनसे काम कराया जा रहा है, अधिकारियों से तो उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनके परिवार के लोगों को उसमें आगे बढ़ाया जा रहा है, उनकी पत्नी को भी महिला आयोग का सदस्य बनाया। अब ये बात पूछिए ना, उनकी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया, और इसलिए आज उनके ऊपर पूरी तरीके से सरकार अपनी तरीके से अपनी मनमानी चला रही है, और हमारे देश के भविष्य को, हमारे देश के जो नौजवान हैं उनकी हत्या करा रही है। परिवार CBI जांच की मांग कर रही है। नहीं, मेरी बात हुई है परिवार से, परिवार ने भी न्यायिक जांच की बात कही है, माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए, न्यायिक जांच कराएंगे तभी इनको न्याय मिलेगा। अजय राय जी, आप घर पे आए हैं, घर की और जो परिजनों की स्थिति, आर्थिक स्थिति वो भी आप देख रहे हैं, जिस तरह का आरोप मंगेश पर लगाया कि करोड़ों की डकैती में शामिल था, उस तरह की घटना, और कांग्रेस क्या मदद कर रही है? मैं तो पहले भी कहा कि अगर
अगर मंगेश डकैत होता या वो लुटेरा होता तो उसका बाप गाड़ी में चलता। अगर वो अपराधी होता या लूट के लाता पैसा तो उसका बाप गाड़ी में चलता, न कि गाड़ी चलाता। उसका बाप राकेश यादव ओंकारेश्वर में गाड़ी चला रहा है गुजरात में जाकर। सोच सकते हैं आप, जो अपने बेटी बच्चों को पालने के लिए गाड़ी चला रहा हो उसका बेटा डकैती करेगा। इसका मतलब कि पूरी तरीके से ये केवल और केवल फेक पूरी चीज़ें उनके ऊपर दर्शाई गई हैं, पूरी बात गलत है। और निश्चित तौर से ऐसे हमारे जो नौजवान बच्चे के ऊपर जो घटना घटी है, इन पूरी टीम के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए। बहन का कहना है कि 28 अगस्त जिस दिन ये घटना हुई है सुल्तानपुर में 12:30-12:30 के आसपास, बहन का कहना है कि उस दिन वो एडमिशन कराने के लिए चुरावलपुर में एक स्कूल था, वो फीस जमा नहीं कर पाए। भाई मैंने पहले कहा कि वो बच्चा अपराधी किसी तक, जब बाप गाड़ी चला रहा है आप कैसे कह दोगे कि बाप गाड़ी चला रहा है और बेटा दकैती कर रहा है? ये सीधे सीधे प्रश्न है। इसका मतलब ये चीजें हैं और जो बहन कह रही है वो बात सही है, 100% उसका हम समर्थन करते हैं। क्या कोई मदद करेंगे आप यहाँ आए? निश्चित तौर से पार्टी हम लोग इस पे विचार करके इनको पूरी तरीके से, इनकी आर्थिक मदद, हमारे नदीम भाई बैठे हैं, हमारे यहाँ जिले के लोग बैठे हैं, निश्चित तौर से इनकी आर्थिक मदद भी होगी और पूरा सहयोग हम करेंगे। ठीक है। इनकाउंटर होने के